कप्तान आरवी से ताल्लुक, इसके अलावा लेजेंड ऑफ द लेजेंड मिस्टर सरवर पाकिस्तान आर्मी। कमोबेश इस ग्राउंड में मुझे देखते हुए उनको 27 साल का अरसा हो गया है, इससे पहले मुझे नहीं पता कब से खेल रहे हैं। एक बहुत बड़ा उरूज देखा उस्ताद मोहम्मद सरवर ने और बहुत से प्लेयर यहां से ही इसी ग्राउंड से पैदा किए, बहुत से प्लेयर उनके शागिर्द हैं, बल्कि जितनी भी नर्सरी है उसमें किसी तरह से कुछ ना कुछ किसी तरह से भी कम्बिनेशन उनका शामिल होता है। उस्ताद सरवर वसीम अब्बास सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर होंगे, पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक। मोहम्मद जीशान जूनियर, मोहम्मद अयूब पाकिस्तान आर्मी, मिस्टर शाहद शादा सेंटर हाफ की पोजीशन पर होंगे, उस्ताद सरवर लेफ्ट हाफ है, रफाकत राइट हाफ है, आमिर पाकिस्तान आर्मी, और फुलबैक है बादल, बादल गर्जा बरसा पानी। बहुत अच्छा अटैक 720 की अकेडमी 720 की तरफ से, पहले ही सेकंड्स में डी के अंदर दाखिल हुए, खतरनाक साबित हो सकता है और ये शॉर्ट कॉर्नर बनाने में कामयाब पहले ही मिनट में। बहुत अच्छा स्टार्ट किया है रिजवान सीनियर हॉकी अकेडमी 720 ने। आप देख रहा होगा उस्ताद सरवर अपने 40 साल एक्सपीरियंस से किस हद तक फायदा उठाते हैं। जब खेल के मैदान आबाद होते हैं तो सच मानिए हॉस्पिटल वीरान हो जाया करते हैं। ये मकूला मेरी तरफ से मोहम्मद रमजान बाना के लिए। और ये खतरनाक साबित हो सकता था लेकिन बॉल फंबल हुआ जिसकी वजह से फाउल करार दी गई हिट। उस्ताद सरवर जवानी का आनंद मार दे आया। जूनियर प्लेयर्स का बहुत अच्छा कंबिनेशन 720 की तरफ से, लेफ्ट इन की पोजीशन पर अयूब यूबी, डी के अंदर पेनिट्रेशन लेकिन लॉन्ग कॉर्नर की फ्री हिट मिली है। उस्ताद सरवर स्टार्ट किया, अच्छा बॉल दिया है राइट आउट की पोजीशन पर जीशान, जीशान अभी तक बॉल जीशान के पास, जीशान का अच्छा बॉल डी के अंदर लेकिन क्लियर किया उसको लेफ्ट फुलबैक ने नईम शाहद। और इसके साथ ही ये बेस लाइन से बाहर है, देखना होगा कि फ्री हिट है या कि साइड लाइन, सॉरी सॉरी 25 के अंदर है। रिजवान सीनियर हॉकी एकेडमी के जूनियर प्लेयर्स इस वक्त अपना मुकम्मल तौर पर प्रदर्शन करते हुए। उस्ताद सरवर यहां से यू एक खिलाड़ी को डाल दिया, बॉल अभी तक उनके साथ, यहां से छोटा सा बॉल मलिक की तरफ, मलिक सेंटर लाइन को क्रॉस किया, मलिक से शाहद शादा बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, अच्छा कंबिनेशन गड्डी के अंदर दाखिल हुए, इसके साथ ही ये क्योंकि डेंजरस नहीं था शायद रेफरी से शॉर्ट कॉर्नर मांग रहे हैं। छोटा मलिक इमरान शाहद, वहां से छोटा सा बॉल एहसान यूसुफ, अच्छा सेव किया है बादल ने और ये रिबाउंड नहीं ले सके जिस पर ये गोल स्कोर हो गया है 341 का पे नगला की तरफ से पहला गोल स्कोर। खेल के इब्तदाई लम्हात में ही पहला गोल स्कोर कर चुकी है 341 का पे नगला। उस्ताद सरवर
यहाँ से आमिर, आमिर से जीशान, जीशान एक खिलाड़ी को आवाज देना चाहते हैं, एहसान यूसुफ साहब साथ, आमिर, आमिर से एरियल बॉल, अयूब, अभी तक बॉल बहुत अच्छे से मजे हुए खेल रहे हैं अयूब, बड़े अच्छे से खेल रहे हैं, इसके साथ ही ये फ्री हिट मिली है 341 का बेनगला को, काफी तगोदोर नजर आ रही है अयूब यूपी की तरफ से पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक, इमर्जिंग स्टार नजर आ रहे हैं इस वक्त अयूब यूपी, अच्छा बॉल डी के अंदर, दोनों टीमों की तरफ से ताबड़तोड़ हमले, रिजवान सीनियर हॉकी अकेडमी अभी तक गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन कॉम्बिनेशन को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रिजवान सीनियर हॉकी अकेडमी का, राइट टू लेफ्ट, राइट लेफ्ट टू राइट, बॉल पोजीशन 70% रिजवान सीनियर हॉकी अकेडमी, 30% 341 का बेनगला, और ये खतरनाक सा हो सकता था, गेंद गोल पोस्ट से बाहर, रिवर्स फ्लिक लिया था इमरान मलक ने, तीन हिट्स लग चुके हैं अभी तक गोल पोस्ट पर, अभी तक गोल पोस्ट की राह दिखाने में कामयाब नहीं हो सकी रिजवान सीनियर हॉकी अकेडमी, लेकिन अभी तक बहुत बेहतर खेल खेल का मुजाहरा 341 के खिलाफ खेलते हुए शान, राइट साइड रोइड आउट, यहां से देखना गलत बॉल उनका, अगर वो साथ सर्वर की तरफ खेलते तो काफी खतरनाक साबित हो सकता था, जबार पोला पास शाहर राइट एंड, शाहर से अभी तक बॉल शाहर के पास, वसीम अब्बास इंटरसेप्शन, बॉल हासिल करने में कामयाब वसीम अब्बास, नईम का छोटा सा एरियल बॉल अयूब की तरफ, अयूब बहुत ज्यादा स्पीडी प्लेयर है इस वक्त, रिजवान अकेडमी की तरफ से खेल रहे हैं, आज का ये तीसरा मैच जारी, मात जिशान, जिशान से सर्वर, अच्छा बॉल दिया डी के अंदर, खतरनाक साबित हो सकता है मलक के साथ साथ, और ये हिट किया लेकिन बाहर, लॉन्ग कॉर्नर मिला है, अच्छा टाइम मिला था, टाइम लेने के बावजूद भी गोल पोस्ट के अंदर फेंकने में कामयाब ना हो सके इमरान, कम से कम ये इसी क्वार्टर के अंदर पांचवा हिट है जो गोल पोस्ट के ऊपर किया गया, लॉन्ग कॉर्नर की हिट है, इसके साथ ही शुरू हुआ उस्ताद सरवर, उनसे नईम, नईम का एरियल बॉल बहुत अच्छी जगह पे खाली किया है, साइड लाइन की फ्री हिट लेंगे अयूब, अयूब ने दो खिलाड़ियों को डाल दिया डी के अंदर रखे हुए, बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा दोनों टीमों की तरफ से, जितना अच्छा फॉरवर्ड लाइन खेल रही है रिजवान सीनियर हॉकी अकेडमी की, उतना ही अच्छा डिफेंस लाइन खेल रही है 341 का बेनगला की, बादल असद बादल गरज रहे हैं, अभी बरसना शुरू नहीं किया, मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, खाली एरिया में खेल दिया है बेस लाइन से बाहर, कामरान कामी बहुत पुराने मजे हुए डिफेंडर 341 गावे नंगला के, तकरीबन ये भी 4 लाख मैचेस खेल चुके हैं कामरान कामी, आज इनके जो 5 लाख मैच वाले प्लेयर हैं वो नजर नहीं आ रहे, सर खालिद रिवर्स फ्लिक था एहसान यूसुफ की, दिया लेफ्ट एंड की पोजीशन पर, अयूब से उस्ताद सरवर, अभी तक बॉल उस्ताद सरवर के पास, वहां से फिर से अयूब लेफ्ट एंड, अयूब एक खिलाड़ी को डॉज देना चाहते हैं, कामी साथ साथ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, नईम, नईम ने एक खिलाड़ी को डॉज दिया,
अभी तक बॉल नहीं उनके पास, अच्छा बॉल दिया है, देखना होगा ये शॉर्ट कॉर्नर डी के अंदर था, इंडी भी प्लेयर्स ने टाइम आउट लिया है शायद, देखना होगा रेफरी का इशारा, ओरिजिनल जो फैसला है वो शॉर्ट कॉर्नर है। सात सर्वर को देखना होगा सारे को बराबर करने में कामयाब होते हैं या नहीं, इससे पहले एक शॉर्ट कॉर्नर में गोल स्कोर नहीं कर पाए। अब दूसरा शॉर्ट कॉर्नर, इंजेक्टर है नई मकरा, ट्रिपल बैटरी यूज की गई है, बल्कि सारी सिंगल बैटरी है उस्ताद सर्वर। बॉल फीकी, रुकी, एक को खिलाड़ी को दिया, ये खतरनाक साउथ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग कॉर्नर, वसीम अब्बास अच्छा खेल पेश किया, वसीम अब्बास ने पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक। 720 गा पे रिजवान सीनियर हॉकी अकेडमी की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी, बादल पीछे हैं, बारिश आगे बरस रही है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। असद बादल खतरनाक साबित हो सकता था, असद बादल पहले उनके लिए कहा गया कि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अब उनके लिए सर बशीर साहब की तरफ से एक मकूला और, बल्कि एक शेर है ये कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, जितना ज़्यादा पीछे से खड़कता जाएगा बादल उतना आगे खिड़कियां खड़कती जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई भी प्लेयर खिड़की खड़काने में कामयाब नहीं हो सका 720 की तरफ से। और इसी दौरान एक मरतबा इनकी खिड़की खड़क चुकी है, असद बादल बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा असद बादल की तरफ से, बालवन चोट आई है, बोलते हैं ना सेकंड।
Hold on, hold on.
लॉन्ग है या शॉर्ट है देखना होगा जी। ये फ्री हिट लग रही है डी के पास, वसीम अब्बास डी के अंदर बॉल फेंका, लेकिन अच्छा डिफेंस 341 का बेनंगला की तरफ से। एहसान यूसुफ लॉन्ग स्टेप्स के साथ भागते हुए, जवाहर पोला, अमाद मादी, पाकिस्तान आर्मी, उसके साथ ही शॉर्ट कॉर्नर हासिल किया है 341 का पे नंगला ने। दूसरे क्वार्टर में पहला शॉर्ट कॉर्नर हासिल करने में कामयाब। एहसान यूसुफ है इंजेक्टर, सिंगल बैटरी यूज की गई है इसमें भी। बॉल फिकी रुकी और ये गोल, अमाद मादी दूसरा गोल स्कोर करने में कामयाब। शॉर्ट कॉर्नर पर दूसरा गोल स्कोर हो गया है रिजवान सीनियर हॉकी एकेडमी के खिलाफ खेल के दूसरे क्वार्टर में। इसके साथ ही फिर से खेल शुरू हुआ। दिशा उस्ताद सर्वर, अच्छा शॉट लेकिन कम ही, दीवारें चीन बने हुए हैं। इसके साथ ही फ्री हिट मिलेगी, वेस्ट लाइन से बाहर है 720 के हाफ में। नईम का अच्छा शॉट, उस्ताद सरवर गेंद को लेने कामयाब। का छोटा सा बॉल वसीम अब्बास की तरफ, वसीम अब्बास से बॉल छिन गया है। जबार बोला से शाहर, शाह से अमाद, अमाद गेंद को लेकर 25 को क्रॉस किया, नईम है साथ साथ, गेंद को कवर किया आमिर पाकिस्तान आर्मी। उस्ताद सरवर जवाहर पोला खतरनाक साबित हो सकता है, डी के अंदर है लेकिन बेस लाइन से बाहर। शाहिद पाकिस्तान आर्मी और ये खतरनाक साबित फिर से हो सकता है, लेकिन निशाना फिर से चूक गया एहसान यूसुफ। उस्ताद सरवर मुसलसल गलतियां करते हुए, इमरान से काशिफ, काशिफ का अच्छा हिट, वसीम अब्बास फिर से नाकाम हुए। गोलकीपर और वसीम अब्बास ही थे डी के अंदर। काशिफ बॉल को शुरू किया, अभी तक बॉल काशिफ के पास, काशिफ से उसका सर्वर, सर्वर से आमिर, आमिर के साथ साथ एहसान यूसुफ, आमिर, आमिर से जीशान, एक खिलाड़ी को डाल दिया डी के अंदर, खतरनाक साबित हो सकता है लेकिन हिट लगाने में नाकाम। पूरी तरह से फिनिशिंग में नाकाम हो रही है रिजवान सीनियर हॉकी एकेडमी।
इसके साथ ही तीसरा गोल स्कोर हो चुका है रिजवान सीनियर हॉकी एकेडमी 720 के खिलाफ। नहीं शाहद काशिफ, काशिफ से इमरान, इमरान से काशिफ, डी के अंदर इसके साथ ही शॉर्ट कॉर्नर। निशान और 6 रन के लिए खेल दिया है लेफ्ट हाफ ने, लेकिन बाउंड्री के करीब ही था, अमन ने गेंद को कवर किया। वसीम अब्बास खतरनाक साबित हो सकता है और सियासी गोल करने में कामयाब। इमरान मलक पहला गोल स्कोर करने में कामयाब, बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा। दो गोल के सहारे में खेल रही है रिजवान सीनियर हॉकी एकेडमी। बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा आमिर, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कितनी तारीफ की जाए कम। वसीम अब्बास गलत बॉल, मुसलसल मिसिंग। अच्छा शॉट, लेकिन मलक इमरान नहीं पहुंच सके। बॉल पोजीशन की बात की जाए तो अभी तक 60-40 है, 60 है जी रिजवान सीनियर हॉकी एकेडमी के पास बॉल। वसीम अब्बास अपने ही फौजी मारते हुए, अच्छा तो
बंदे भगवान इसके साथ ही हाफ टाइम हो चुका है। तीन के मुकाबले में एक गोल रिजवान सीनियर हॉकी एकेडमी 720 गाबे, बाबा हैदर शाह हॉकी क्लब 341 गाबे 3, रिजवान सीनियर हॉकी एकेडमी 720 गाबे 1। इंतजामिया पानी दें जी जल्दी जल्दी।
हाजरीन आपके लिए तीसरे क्वार्टर का खेल शुरू हुआ चाहता है। जीशान, जीशान से मलिक इमरान, लेकिन मलिक इमरान गेंद के साथ साथ अभी तक लेने में कामयाब नहीं हो सकी। अच्छे खेल का मुजाहरा दोनों टीमों की तरफ से। फुल बैक फ्री हिट लेंगे। 341 का पहला लंगला, छोटा सा एरियल बॉल, कोई भी प्लेयर वहां पर मौजूद नहीं। साइड लाइन से बाहर फ्री हिट मिलेगी 341 का बेनगला को। उस्ताद सर्वर के पोता भतीजों के साथ पोते भी खेल रहे हैं जी, दादा पोता दोनों ग्राउंड में। वसीम अब्बास ओपन स्टिक शॉट, लेकिन पहले ही प्लेयर ने उसको रोका, वसीम अब्बास। वसीम अब्बास का फिर से लॉन्ग हिट, लेकिन फाउल करार दिया रेफरी ने। अमाद माटी असद बादल स्टार सर्वर, स्टार सर्वर से अयू जवार पोला फ्री हिट लेंगे। यहाँ से छोटा सा बॉल लेफ्ट आउट की तरफ, अमार, अमार से जवार, मिसिंग हुआ एहसान यूसुफ से। नईम, अच्छा शॉट वसीम अब्बास की तरफ, नथिंग एल्स, ही कॉल दैट इज द फाउल, बट अंपायर कॉल दिस इज नॉट अ फाउल। और इसके साथ ही चौथा गोल स्कोर करने में कामयाब 341 का बे नंगला।
नहीं मकरा, बहुत अच्छा डिफेंस करते हुए, जितनी तारीफ की जाए कम, पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक। इनके डिफेंस में मोहम्मद रिजवान सीनियर की झलक नजर आती है। मोहम्मद रिजवान सीनियर की झलक नईम के अंदर, नईम बच्चा जी 192 ओजला से, शिराज नाम है छोटा सा बच्चा, वो कहीं गुम हो गया है। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो स्टेज पर रब्ता करे, जहां पे मैं बैठा हूं इस जगह पे आपके जानने वाले मौजूद हैं। शिराज बच्चा, छोटा बच्चा है शिराज, 192 ओजला। अरे अल्लाह थल्ले शिराज बच्चा है, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, शिराज बच्चा 192 ओजला से। इसके साथ ही नईम अकरम गोल स्कोर करने में कामयाब, देखना होगा रेफरी का इशारा। नहीं, ये फ्री हिट मिली है, बालवन ये फाउल हो गया था क्योंकि हिट करार दी है फाउल, 18 इंचेस से ऊपर थी। कोई नहीं यार, वेलकम बच्चा मिल गया, और की चाहिए। जीशान
निशान से उस्ताद सरवर, गलत बॉल, इंटरसेप्शन हुआ, मादी नहीं, नईम से शाह, शाह से जिशान, जिशान के पास अभी तक बॉल, जिशान से शाह 25 के करीब, लेकिन गलत बॉल, कोई भी प्लेयर वहां पर मौजूद नहीं, गलत बॉल दिया। शाहद, शाहद से उस्ताद सरवर, अभी तक बॉल सरवर के पास, सरवर का रिवर्स फ्लिक पर बॉल डी के अंदर, खतरनाक साबित हो सकता है, उस्ताद सरवर के पास बॉल फिर से, और ये फाउल कैरड हुआ है इमरान छोटे मलक का, अयूब का अच्छा मूव था वहां से, अब ये फिर से खतरनाक था, बहुत अच्छे खेला है, लेकिन गोल पोस्ट से ऊपर से गई बॉल बाहर। कैप्टन रफाकत 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 से जिशान राइट एंड, अभी तक बॉल उसके पास, वहां से अयूब लेफ्ट एंड, अयूब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए, अयूब से शाहद, शाहद का अच्छा ओपन स्ट्राइक शॉट डी के पास, डी के अंदर दाखिल हुए, इसके साथ ही फ्री हिट मिली है टॉप डी पर 720 काबे रिजवान हॉकी एकेडमी, स्टार सर्वर फ्री हिट लेंगे, रिवर्स, लेकिन कोई भी प्लेयर वहां पर मौजूद नहीं, फिर से फ्री हिट है, नईम स्टार सर्वर, नईम मिस हुआ, नईम से एहसान यूसुफ, पोता चाचा दादा सब एक ही सफ में, ना उस्ताद रहा ना वसीम, शाहद जब्बार अमाद मिसवा इमरान मलक, और उतना ही गलत खेले मलक इमरान, अमाद वसीम साथ साथ पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक, अमाद बहुत मजे हुए प्लेयर हैं पाकिस्तान आर्मी के, चार एक से मैच, अगर क्या जाए पीछे मेरे नाम है।
इसके साथ ही तीसरे क्वार्टर का खेल इख्तिताम पजीर। जूनियर कमांडिंग ऑफिसर मिस्टर रफाकत अली गुर्जर, कैप्टन सास अफीस रिजवान हक सीनियर हॉकी एकेडमी। लास्ट क्वार्टर मैच का स्कोर लास्ट 15 रन कर गोल का चांस लेकिन इसका भी बशारत अली भाई नेशनल हॉकी के वेलकम हो गया जनाब, मेरे साथ लाइव वीडियो पे जुड़े हैं बशारत फ्रॉम सरगोधा इंटरनेशनल हॉकी के वेलकम हो गया जनाब, खुश आमदी। अब तो
अली के पास बॉल, अच्छा लगे पाकिस्तान आर्मी के साथ। मोहम्मद यासिन साहब स्कोर है जी 341, मोहल्ला बाबा हैदर शाह मतलब 4 गोल और रहमान सिंह हॉकी क्रिकेट अकेडमी 720-1। हलाना है ना, हला यार ना हला मुजम्मल चीमा भाई, वेलकम हो गया जनाब मुजम्मल भाई। स्कोर बोर्ड भी है, बॉक्स भी देख सकते हैं और 4-1 है, 341 अगला 4 गोल और 720 रजमान सीनियर हॉकी अकेडमी 1। स्कोर बोर्ड मुजम्मल भाई ऊपर लिखा हुआ है, चेक कर सकते हैं आप ऊपर। बहुत अच्छा बात शाहिद की जानब से पाकिस्तान आर्मी के साथ तलक है। बॉल चाचा सरवर के पास बॉल है, मोहम्मद नदीम भाई कल का शेड्यूल अभी आया नहीं है, जैसे ही आता लगा देंगे पेज। कल का शेड्यूल मेरे पास नहीं है भाई, बहुत अच्छी खतरनाक ट्राई स्कोर करने में। गोल पोस्ट से बाहर जीशान शानी, एक बहुत अच्छा ओपन स्टिक शॉट लेकिन गोल पोस्ट से बाहर। वेलकम भाई, वेलकम जनाब। मैं इंजमाम उल हक सन ऑफ सर खालिद महमूद उल हक PST GPS गरीबाबाद, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार कि उन्होंने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर मैच के लिए तशरीफ लाए। इंजमाम उल हक कल के मैच के लिए इंशाअल्लाह उल अजीज हमारे मेहमान खुसूसी होंगे जुमा के फौरन बाद। इंजमाम उल हक सन ऑफ खत बाहर
अब्दुल जबार से शर्त के पास पहुंचे। एहसान यूनुस के पास बॉल, आजम सुल्तान भाई तकरीबन लास्ट आखिरी लम्हात है भाई, आखिरी लम्हात, दो चार मिनट होंगे बाकी भी। पाँच मिनट गए, छः पाँच छः मिनट गए। अब्दुल जबार बोला इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर से पास बॉल, अब्दुल जबार से एहसान यूनुस, एहसान का अच्छा बॉल फौजी की जानब, राइट लेफ्ट आफ पोजीशन पे खेलते हैं फौजी, फौजी से एहसान यूनुस पाकिस्तान आर्मी, अच्छा डॉज करते हुए अगेन से डॉज, हमाद के पास बॉल, हमाद से एहसान यूनुस, एहसान का एरियल बॉल लेफ्ट आउट की राइट आउट की जानब, देखते हैं वो वेरीफाई रोकने में नाकाम। आजम सुल्तान भाई बी टीम खेल रही है भाई, रजमान सीनियर हॉकी अकेडमी 720 मोहम्मद अली क्लब का सुबह मैच होगा, आज मैच नहीं है उनका, छोटे टीम है ना कि जूनियर टीम बी टीम है वो मैच खेल रही है। एहसान, एहसान से फौजी, फौजी से काली, काली से अली पाकिस्तान आर्मी, अली, अली से एहसान, एहसान से अब्दुल जबार बोला मिस हुए रोकने में नाकाम, नई मकरम के पास बॉल, 17 नंबर शर्ट में मुझे स्कूल के पास खिलाड़ी अगेन से डाउट करें खिलाड़ी के पास बॉल, राइट आउट के बाद मलक इमरान, अच्छा किया काली की जानब से, नाट सही चल रहे नहीं मकरम के पास बॉल, पाकिस्तान आर्मी के साथ अलग अच्छी स्लैप शॉट, इंटरसेप्ट हुआ बॉल, एहसान, एहसान से अब्दुल जबार को लगा जबार से शाह, पाकिस्तान आर्मी, शाह से अब्दुल जबार, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर 310 मिनट, अब्दुल जबार से राइट आउट की तरफ खेलते हुए 7 नंबर जर्सी नंबर उस खिलाड़ी के पास बॉल, शाह, शाह से अब्दुल जबार, एहसान, एहसान से अली, पाकिस्तान आर्मी, अली से शाह, दाल करने की कोशिश, अच्छा बॉल एहसान यूनुस की याद, एहसान, एहसान से अब्दुल जबार, एरियल बॉल खेलते हुए अपने खिलाड़ी की जानब, हमाद के पास बॉल, हमाद, हमाद अपने खिलाड़ी को बॉल देना चाहते हैं दस सौ, लेकिन अगेन से अब्दुल जबार के पास बॉल है, अब्दुल जबार, अब्दुल जबार से हमाद, पाकिस्तान आर्मी, अगेन से अब्दुल जबार, अब्दुल जबार से फौजी, मियाँ जी कीपर नहीं पता कौन कौन है अपने टीम से, ताली नहीं लगाई, ओपन कीपर है, एरियल बॉल एहसान का अली की जानब, अली से अब्दुल जबार, अब्दुल जबार से फुल बैक पोजीशन में खेलते हैं काली, काली के पास बॉल, अच्छा बॉल इंटरसेप्ट हुआ, गलत बॉल, नई मकरम के पास बॉल है, डांस करने की कोशिश, अच्छा डांस करते हुए नई मकरम, लेकिन इंटरसेप्ट हुआ बॉल, शाह के पास बॉल, शाह पाकिस्तान आर्मी, शाह से अब्दुल जबार,
हमजा मकसूद साहब वेलकम जनाब अरसलान अरसलान नहीं है भाई कीपर 147 नंबर का नहीं और भाई 403 नंबर चार 347 नंबर चार और रसमान सिंह का कीपर 720 के वेलकम जनाब हर भाई 4-1 है 341 नंबर चार गोल और 720 रजमान सीनियर हॉकी अकेडमी के हमजा मकसूद भाई अस्लान भाई बाहर चलेंगे तो भाई कीपर कोई ओपन है भाई मिया जी 192 कोटला का शायद सुबह मैच होगा शुरू रात को आएगा पता चलता है इसका सुबह मैच गोल एरिया में चांस बन सकता है खतरनाक ट्राई बल्कि इमरान की जानब से स्कोर करने में नाका असद राना असद साहब वेलकम हो गया जी वालेकुम सलाम जनाब मेरे बहुत अच्छी और प्यारे दोस्त मोहम्मद असद साहब राना असद हाल वकील सऊदी अरेबिया वेलकम हो गया जनाब इस्लाम दीन मौकों का शुक्रिया जाना भाई वेलकम जनाब वालेकुम सलाम जनाब इस्लाम दीन अब्दुल जब्बार बिल्ट अप करती हुई टीम फौजी के पास बॉल है फौजी से हमाद हमाद का अच्छा बॉल एहसान की जाए घास करने की कोशिश काशिप भाई वालेकुम अस्सलाम अल्लाह का शुक्र है भैया आप सुनें और इसके साथ ही ये मैच खत्म हो चुका है मैच विन किया 341 नंबर बाबा हैदर शाह क्लब ने जी क्लब ने और टीम को बना फट तले पाया बाकी का बंद कर दिया 341 नंबर किया ना ना 4-1 से 341 नंबर टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं और जो भी इनके ऑडियंस और हॉकी लवर इस मैच को प्राइस के लिए बुलाई गई है जी अल्लाह का शुक्र है राना असद साहब वरना मैं सुबह होगा भाई सुबह मैच है आपका आज मैच नहीं सुबह मैच होगा इंशाल्लाह शुरू होना और इसके साथ ही वो भी इजाजत इंशाल्लाह